अस्सलाम वालेकुम जी। अभी ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो पीएमसी की तरफ से आई है। वैसे पहले उन्होंने कहा हुआ था कि जो एमडी कैट है वेबसाइट पे इन्होंने मेंशन किया था कि उसको हमने पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ अभी उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया। एफएससी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने बताया वो है 60%, यानी आपके कम से कम एफएससी में 60% नंबर होने चाहिए। और इस तरह से फिर उन्होंने एमडी कैट के बारे में भी बताया। एमडी कैट जो कि पिछले साल जैसे 65% था पासिंग क्राइटेरिया जो था, यानी जिसके 65% नंबर होते थे एमडी कैट में से वो पास होता था, अब उसको रिड्यूस कर दिया गया। एमबीबीएस के लिए अब वो 55% हो चुका है और बीडीएस के लिए 45%। तो ये मतलब काफ़ी इजी चीज़ हो गई है। और जो दूसरी बात वो ये है कि आप जो यानी वही अगेन उस चीज़ को लिख रहे हैं कि जो सितंबर और अक्टूबर में होना था वो पोस्टपोन हो चुका है। इट मीन्स कि अब अक्टूबर तक एमडी कैट नहीं होगा, जो आप बार बार पूछ रहे थे कि न्यू शेड्यूल कब आएगा या कब तक यानी एमडी कैट मुतवक्की है कि नेक्स्ट होगा, तो अब ये सितंबर और अक्टूबर में तो नहीं हो रहा। इट मीन्स कि ये तकरीबन मिड ऑफ नवंबर में जाके होगा। उन्होंने भी फिर ये लिखा हुआ कि जो न्यू शेड्यूल है या डेट्स हैं वो अनाउंस होंगी पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर। और एक और चीज़ जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी एक लिहाज से ये बच्चों के लिए फ़ायदा है, जो स्टूडेंट जिन्होंने पहले एमडी कैट के लिए अप्लाई नहीं कर पाए थे किसी भी वजह से, वो यानी रह गए थे, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है फॉर एमडी कैट 2020 विल रीओपन फ्रॉम 10 से 25 सितंबर, यानी ये 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन हो रही है, जस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले एमडी कैट में अप्लाई नहीं किया था, जो यानी पहले अप्लाई नहीं कर पाए थे। और 2022 इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ऑल द स्टूडेंट हु आर अनेबल टू रजिस्टर प्रीवियसली, लेकिन आपने दोबारा से रजिस्टर नहीं करना, ये जस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जो यानी अपने आप को पहले रजिस्टर नहीं कर सके थे। और बाकी जो भी फिर अपडेट होगी पीएमसी अपनी वेबसाइट के ऊपर अनाउंस करती रहेगी। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करने लगे हैं कि हमने कैसे अब यानी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि अब कभी इम्कान है जो एमडी कैट होगा वो हर सुबह अपना लेगा, अपने प्रोविंस पे होगा, तो आपने फिर अपनी अपनी बुक से कैसे किस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।